subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. तो जैसा कि हमने कहा था, एक बार फिर से हम आपके मोस्ट फेवरेट शो नामकरण से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हैं आप। जिस खबर को सुनकर आप जाहिर तौर पर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और रिलीफ भी फील करेंगे, क्योंकि कहानी में अभी तक कई दर्शकों का सवाल ये था कि दयावंती इतने पाप करने के बावजूद भी और कहानी में इतने तरह के ड्रामे करने के बावजूद भी आज तक जिंदा क्यों दिखाई गई है। जी हाँ, आप में से कुछ दर्शकों का ये भी कहना था कि भाई दयावंती को काफी पहले ही ट्रैक से हटा देना चाहिए था, तो क्यों अभी तक दयावंती को इस तरह से कहानी में रोक कर रखा गया है और साथ ही क्यों हर बार इसी दयावंती को अपनी की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए ला दिया जाता है। तो बता देते हैं आपको कि शो के मेकर्स अब बहुत ही जल्दी आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी अब दयावंती का ट्रैक हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल याद अगर होगा आपको तो महाकाली के टाइम पर, यानी कि जब अवनी को पता चलता है कि दयावंती ना सिर्फ आयशा की बल्कि आशीष की भी मर्डरर थी, तो जैसे कि उस वक्त पर नील ने रोक लिया था अवनी को दयावंती का कत्ल करने से, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर इस बार नील खुद कहने वाला है अवनी से कि वो इस बार इस दयावंती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे, जिसके बाद अभी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कहानी की जब सबसे ये बड़ी विलन यानी कि दयावंती जब इस तरह से मर जाएगी तो कहानी में क्या कुछ रह जाएगा और किस तरह भला अब ये कहानी मुड़ चलेगी। जिसके बाद अब कितने एक्साइटेड हो गए हैं आप दयावंती के परमानेंट जाने से, जरूर लिख भेजिए हमें अपने कमेंट्स के थ्रू और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.